इंडिया गठबंधन में एक बार फिर दिखी फूट। ममता ने बीजेपी पर दिया था बयान। कांग्रेस को क्यों लगी मिर्ची? इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए खूब जोर लगाने में जुटी है। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली बैठक के बाद से लगता है इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। उधर नीतीश कुमार की सरकार पर संकट के बादल छाए होने के कयास लग रहे हैं। इधर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है। शनिवार को ममता बनर्जी के एक बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार कर दिया है, जिसको देखकर ये कहा जाने लगा है कि इंडिया गठबंधन में एक बार फिर फूट नजर आने लगी है। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच बयानों का ये वार पलटवार पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बंगाल को लेकर दोनों के बीच जमकर शब्दों के तीर खूब चल चुके हैं। चलिए जानते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है और अधीर रंजन ने उस पर क्या पलटवार किया है। चलिए पहले जानते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। ममता बनर्जी ने अपने राज्य बंगाल और बीजेपी के बारे में तगड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में होगा, लेकिन बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। उन्होंने आगे कहा, याद रखें, बंगाल में केवल तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी को सबक सिखा सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। ममता बनर्जी की ये ललकार तो बीजेपी के लिए थी, जैसा कि उनके बयानों से दिख रहा है, लेकिन इसके शब्दों के तीर सीधे कांग्रेस के सीने में जा धंसे। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर जब अधीर रंजन चौधरी से सवाल किया गया तो सुनिए उनका क्या कहना था। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाए तो क्या किया जाए? हमारे आलाकमान तय करते हैं क्या होना है या नहीं होना है। हम लोग यहाँ चुनाव में मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे हमारे विपक्ष कोई भी हो, बिल्कुल तैयार है। ये बात तो पूरी तरह से सही है कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है, इसमें अलग अलग स्टेट की बात कहाँ फिट बैठ रही है। हाँ, ममता बनर्जी ने अगर ये बात सीट बंटवारे के लिहाज से कही हो तो बात अलग है। फिर भी कांग्रेस को ममता की बात से कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों के बंटवारे की सबसे अच्छी रणनीति तो यही होगी कि जिस राज्य से जो भी दल मजबूत है उसके उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो इंडिया गठबंधन NDA का जमकर मुकाबला कर पाएगी। ऐसे में अधीर रंजन का ममता बनर्जी के बयान पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना न केवल इंडिया गठबंधन के अंदर खाने की फूट को जाहिर करता है, बल्कि NDA को भी मौका दे रहा है कि वह इंडिया गठबंधन के इस मुद्दे को उठाकर भुनाने की खूब कोशिश करे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।